जिस जिस के ऊपर इतना विश्वास भरोसा किया वो सब ने हमारा भरोसा तोड़ा है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देखें, इन्हें आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जरूर देखे होंगे, इनका रील जो कि ये रंजीता कुमारी है, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और सोशल मीडिया पे ये रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसने एक वीडियो बनाई थी जो कि भोजपुरी गाने पे लिपसिंक थी और रोने का एक्टिंग करके, भोजपुरी गाना था कि जाता रहत जाए पिया ठीक से कमोई हो अब कौन सो तिनके न फेदा में ओई हो, कुछ इसी टाइप का था, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन गाना बहुत बढ़िया है, भोजपुरी का टोन बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन काफी सारे कुछ अश्लील सिंगर लोग आकर के अश्लीलता फैला चुके हैं। लेकिन ये जो लड़की अभी है ट्रेंड कर रही है, वायरल गर्ल है, सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफी ज्यादा ये रील वायरल हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अभी तो ये वायरल हो चुकी है, काफी सारे इससे लोग मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन लोग अपने प्रॉफिट के लिए। और सोशल मीडिया का एक डार्क रियलिटी भी मैं बताने वाला हूँ अभी, कि सोशल मीडिया पे कैसे लोग काम करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। आप देखे होंगे जैसे कि अभी रानू मंडल, तेरी मेरी कहानी, ये गाना आप सुने होंगे। इसके अलावा बचपन का प्यार मेरा भूल न जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और भी कांचा बादाम वाले अंकल को भी जानते होंगे, पाए तुड़ा हाथ वाला था के जो दिसी की गोल चैन दिए जबन तत सोमन सोमन तुंगा बादाम पावन बादाम बादाम दादा का चाह बादाम आमा गाचे नाई को बुबू भजा बादाम। ओ देखो पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। काफी सारे ट्रेंड चले और हमेशा कोई ना कोई मार्केट में ट्रेंड करते रहता है सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी अगर ये लोगों की बात कर ले, रानू मंडल और कच्चा बादाम वाले अंकल, तो वो सारे अभी सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं और ना ही कोई मीडिया वाले उनसे मिलने जा रहा है। तो बस जब तक उनका ट्रेंड था, जब तक लोग उन्हें देखना पसंद करते थे, ट्रेंड आया, बूम किया, इसके बाद डाउन चला गया। जिस टाइप का जैसा स्थिति था रानू मंडल का पहले, उसी तरह से अभी भी है। एक छोटे से कमरा में रह रही है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। तो रंजीता कुमारी, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी तो ट्रेंड कर रही है, अच्छा है, फैन भी काफी सारे, फैन बेस मिल रहे हैं और काफी सारे लोग, काफी मीडिया वाले मिल रहे हैं, जाकर के मिलने के लिए चाह रहे हैं और काफी सारे यूट्यूबर मिल रहे हैं जिससे कि उन्हें कुछ व्यूज आ जाए, अर्निंग हो जाए उसके थ्रू। तो ये ट्रेंड कुछ दिनों तक ही चल रहा है, अभी 10 दिन 15 दिन चलेंगे, इसके बाद फिर बंद हो जाएगा, उसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा और ना ही कोई मिलने जाएगा रंजीता कुमारी से, और यही रियलिटी है। तो अगर सोशल मीडिया पे रहना है, टिकना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि अभी तक जितने ट्रेंड आए हैं, जितने ट्रेंडिंग में आते हैं, जितना तेजी से बूम करता है, जितना जल्दी से वायरल होता है, उतना ही जल्दी से नीचे भी गिर जाता है। तो सोशल मीडिया का यही डार्क रियलिटी है जो कि अगर कोई अगर बंदा सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से मेहनत कर रहा है ना, अगर वो ग्रो होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक चल पाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऑडियंस को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, वो मुझे किस लिए पसंद कर रहे हैं, उन्हें उस कैटेगरी का, उस टाइप का कॉन्टेंट देते हैं। लेकिन जो लोग बूम करते हैं अचानक से, वो लोगों को पता नहीं चल पाता है, समझ में नहीं आता है ऑडियंस को कैसे अपने पास रखना है, और फिर वही अभी जैसे रंजीता कुमारी के चैनल पे आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे वो रो रो करके खूब वीडियो बनाती है, बहुत सारा वीडियो बना रही है रो करके कि भाई सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वैसे मैं तो वायरल नहीं हूँ लेकिन काफी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करना बनता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ पैसा लगता नहीं है लेकिन मुझे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो अभी रो रो करके वायरल हो गई है, लेकिन अगर ऐसे ही अभी भी रोते रहेगी ना, आगे भी रोते रहेगी, तो हो सकता है रोने का एक्टिंग जो है वो तो लोगों को पसंद आ गया, अभी तो अच्छा है, लेकिन लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे टिकने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, लोग इमोशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी तो वैसे आपके साथ रिलेट कर रहे हैं ऑडियंस, लेकिन अगर सेम चीज दिखाते रहे वो लोगों को तो वो भी बोर हो जाते हैं। थोड़े अगर कुछ यूनिक नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ हट के नहीं करेंगे ना, तो फिर वही लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये है सोशल मीडिया का रियलिटी कि जितना तेजी से आपके पास ऑडियंस आते हैं उतना तेजी से चले भी जाते हैं। तो ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा टफ होता है। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे जो आ जाता है वो बहुत कमाता है पैसा, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, फेस वैल्यू बन जाता है लेकिन वो नीचे भी गिरने का चांस रहता है।
लेकिन जो मेहनत करके आगे बढ़ता है वो अच्छे तरह से अपने ऑडियंस को समझ पाता है कि मैं हमारे ऑडियंस कैसे हैं, क्या देना चाहिए ऑडियंस को, क्या समझाना चाहिए, क्या देखना पसंद करते हैं और कैसे मुझे पसंद करना स्टार्ट किए हैं, रिलेट कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अभी तो रंजीता कुमारी काफी ज्यादा वायरल चल रही है, लेकिन अभी वो ऐसे ही रोते रहेगी तो थोड़ा डाउन जाने का चांस है ना। तो कुछ अलग करे, कुछ यूनिक करे, ऑडियंस को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ नया करे। हाँ, उसका मैं बैकग्राउंड समझ पा रहा हूँ कि काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जाते हैं मिलने, काफी सारे मीडिया वाले जा रहे हैं लेकिन लोग हेल्प नहीं करते हैं, अपना व्यूज बटोर लेते हैं, लोग व्यूज के चक्कर में चले जाते हैं, इसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है। व्यूज आ गया, कमा लिए, लेकिन कुछ हेल्प नहीं करते हैं उसका। जितना हो पाएगा अभी फैन बेस मिला है, अभी वो चाहे तो कमा सकती है, अच्छा खासा पैसे इकट्ठा कर सकती है, हर तरह से सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपके अनुसार क्या लगता है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।